केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को मिदनापुर में हुई किसान समावेश रैली में शामियाना गिरने की घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस हादसे में करीब 90 लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में मोदी की रैली के दौरान शामियाना गिरने की घटना पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। पंडाल उस समय गिरा जब मोदी अपना भाषण दे रहे थे। 90 घायलों को पश्चिम मिदनापुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 50 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं मोदी भाषण खत्म करने के तुरंत बाद मिदनापुर स्थित अस्पताल गए और घायलों का हालचाल पूछा। वहीं एक घायल महिला ने उनसे ऑटोग्राफ भी मांगा। संसद के बुधवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक खत्म होने के बाद भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र को सार्थक बनाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि सभी दल संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल दोनों सदनों में अपने मुद्दों को उठाएं और उन पर सार्थक बहस करें, लेकिन सदन को चलाने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। इससे विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा और सत्ता पक्ष को भी विभिन्न विषयों पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मोदी ने कहा कि यह सत्ता पक्ष विपक्ष और आम लोगों सबके लिए अच्छी और फायदे की स्थिति होगी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें वह सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने शाम को बैठक बुलाई है। बैठक के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए रात्रि भोज भी रखा गया है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार स्पीकर सत्र के सुचारू रूप से चलने और लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिए दलों का सहयोगी मांगेगी। प्रधानमंत्री के रात्रि भोज में शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि वे इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। यह बैठक संसद पुस्तकालय भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक पर खड़गे ने कहा है कि हमने सरकार से भी अपील की है कि विपक्ष को सदन में मुद्दे उठाने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही अन्य विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया है। लोकसभा में नेता विपक्ष प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा कि हमने लीचिंग, रोजगार, महिला सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, SC ST एक्ट और संस्थाओं की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को मानसून स्तर में उठाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री लीचिंग और आरोपियों का सम्मान करते हैं, इस पर सरकार को संसद में जवाब देना होगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं बल्कि सत्ताधारी दल संसद नहीं चलने देना चाहते। उन्होंने कहा कि देश के 95% धंधे बंद होने की कगार पर हैं। सिर्फ कुछ ही धंधे हैं जो सरकार की मदद से फल फूल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आरोप पर आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं लिया, हम काम के आधार पर चुनाव जीतने आए, हारे भी हैं। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी की पीएम मोदी की चिट्ठी पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम राज्यसभा से इस बिल को पारित कर चुके हैं और अब लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है जहां ये बिल अटका पड़ा है, लेकिन ये लोग इसे पारित नहीं करना चाहते। तो उन्होंने सभी ने ये माना है कि हम एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएगी और हर आदमी, हर पार्टी हर समस्या के ऊपर बात करेगा। इसके अलावा और एक बहुत मुद्दा, बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस ने ही का UPA गवर्नमेंट जब थी उस वक्त हमने स्पेशल स्टेटस का एक प्रॉमिस किया था और सदन में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी ये कहे थे कि आंध्रा के लिए स्पेशल स्टेटस देने का और उनको जो भी स्पेशल स्टेटस में उनको जो फायदा पहुंचाने का था वो भी इसमें है, वो भी मुद्दा हम रखेंगे, रखे। कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी कहे जाने पर मचे विवाद के बीच राहुल गांधी ने आज सफाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के विचार और सिद्धांत को सामने रखते हुए कहा कि देश में नफरत, घृणा और भय का माहौल खत्म कर जो धर्म
जाति और विश्वास की दीवार से उठकर तथा सबके कल्याण के लिए काम करती है वही कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं और सबसे प्यार करता हूं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर कहा कि मैं पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े शख्स के साथ हूं, शोषित हाशिए पर खड़े और सताए गए लोगों के साथ हूं। उनका धर्म, उनकी जाति, आस्था मेरे लिए खास मायने नहीं रखती। जिन्हें भी दर्द है, पीड़ा है, मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूं। मैं नफरत और भय को मिटाना चाहता हूं। मुझे सभी जीवों से प्यार है। मैं कांग्रेस हूं। दरअसल ये सारा मामला तब सुर्खियों में आया जब एक उर्दू दैनिक ने दावा किया कि राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए पूछा था कि 3 तलाक बिल का समर्थन न देने के कारण क्या कांग्रेस मुस्लिमों में भी क्या सिर्फ पुरुषों की पार्टी है। वही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियां छिपाने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सभी जाति, धर्म, समाज और देश के हर वर्ग और हिस्से की पार्टी है, जबकि भाजपा सांप्रदायिकता फैलाने वाली और विवाद पैदा करने वाली पार्टी है और उनके सभी प्रवक्ता देश तोड़ने के लिए बयान दे रहे हैं। बीजेपी के अनुसार राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राहुल गांधी जी ने कुछ घंटों पहले एक ट्वीट किया है। I stand with the last person in the line, the exploited, marginalized and the persecuted. Their religion, caste or belief matter little to me. I seek out those in pain and embrace them. I erase hatred and fear. I love all living beings. I am the Congress. ये जो 4-5 पंक्ति है उसको कम से कम 2-1 घंटे में हमने 100-200 बार पढ़ा कि कहां इसमें खंडन है। और केवल मैंने नहीं पढ़ा, बहुत सारे पत्रकार बंधु जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां आए हैं, जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, हमने ये सबसे पूछा भी कि आप जरा कृपया करके इसको पढ़िए, हो सकता है कि हम खंडन नहीं देख पा रहे हों, कि राहुल जी का खंडन कर रहे हो कि मैंने नहीं कहा था हम मुसलमान पार्टी है। आप देख पा रहे हैं क्या? किसी का वो खंडन नजर नहीं आया। वी कुड नॉट सी अ नेगेशन ऑफ व्हाट मिस्टर राहुल गांधी हैड सेड, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। इट इज अ कन्फेशन, खंडन नहीं है, इट इज अ कन्फेशन। बिल्कुल स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है इस ट्वीट के माध्यम से कि हां हम मुसलमानों की पार्टी है, जो मैंने कहा है मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। दिस इज अ क्लियर कन्फेशन ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने राष्ट्रीय संयोजक जयप्रकाश सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। मायावती ने कहा है कि मुझे जयप्रकाश सिंह के भाषण के बारे में पता चला था कि उन्होंने पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध बात की है और विरोधी पार्टी के नेतृत्व पर निजी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि यह उनका निजी मत है, इसलिए तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को लखनऊ में बसपा जोन स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जयप्रकाश सिंह ने वंशवादी राजनीति पर हमला बोला था। मायावती ने बाकी पार्टी नेताओं को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक गठबंधन नहीं हो जाता तब तक बयानबाजी से बचना चाहिए। इससे पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी से जुड़े पार्टी के एक कार्यक्रम में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह ने आने वाले चुनाव में मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था। उन्होंने मायावती को देश की सबसे बड़ी दलित नेता बताया था। साथ ही यह भी कहा था कि उनके साथ बाकी समुदाय भी मजबूती के साथ खड़ा है। इसके अलावा जयप्रकाश ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर भी सवाल खड़े किए थे। बीएसपी से निकाले गए नेता ने कहा था कि राहुल गांधी की मां विदेशी मूल की है और उनकी शख्सियत पर मां का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। जयप्रकाश सिंह ने कहा था कि अगर राहुल गांधी राजीव गांधी के नक्शे कदम पर चलते तो एक बार को राजनीति में जरूर सफल हो जाते, लेकिन वो अपनी मां सोनिया गांधी के पीछे चले गए, वो विदेशी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी कभी भारतीय राजनीति में सफल नहीं हो सकते। कल लखनऊ में बीएसपी के हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के खासकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा दिए गए भाषण के बारे में ये जानकारी मिली है कि उसने कल बीएसपी की इस मानवतावादी सोच व नीतियों के विरुद्ध जाकर तथा अपनी विरोधी पार्टियों के सर्वोच्च राष्ट्रीय नेताओं के बारे में भी काफ़ी कुछ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके
उनके बारे में काफ़ी अनर्गल बातें भी कही हैं जो बीएसपी के कल्चर के पूरे तौर से विरुद्ध है। उन्होंने जो भी कल कुछ बोला है तो ये सब बीएसपी की सोच व नीतियों के विरुद्ध भी है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए तथा पार्टी व मूवमेंट के हित में भी आज हमारी पार्टी ने नए नए बने बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जय प्रकाश सिंह को उनके इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और साथ ही इनको आज ही बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में भी किसी भी पार्टी के साथ जब तक चुनावी गठबंधन की घोषणा नहीं हो जाती है तो तब तक पार्टी के लोगों को गठबंधन के बारे में, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो या अन्य किसी और राज्य का भी मामला हो, तो तब तक पार्टी के लोगों को गठबंधन के बारे में किसी कुछ भी बात किसी भी स्तर पर नहीं करनी चाहिए। अर्थात ये सब पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी की हाई कमान पर ही छोड़ देना चाहिए।